राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आजाद समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर लिया है। राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल और आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि विधानसभा चुनाव हम गठबंधन से लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। राजस्थान में चल रही परंपरा 5 साल कांग्रेस और 5 साल भाजपा के रिवाज को बदल देंगे और इस बार राजस्थान में तीसरा फ्रंट सरकार बनाएगी। उनके साथ खड़े यहाँ हमारे नेता हनुमान जी बेनीवाल है और हम उनके पीछे खड़े होकर यहाँ का चुनाव लड़ाएंगे और इतनी मजबूती से लड़ाएंगे कि जो लोग बहुत दिनों से उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमें भी आगे बढ़ के कुर्सी संभालने का मौका मिले, उनकी उम्मीदों को। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मलखान मीना हमसे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मलखान, आरएलपी और आजाद समाजवादी पार्टी का एक बार फिर से गठबंधन देखने को मिला है, क्या लगता है आपको आगामी विधानसभा चुनाव में कितना सहयोग रहेगा इसका? देखिए बिल्कुल फातिमा जी, जिस तरह से विधानसभा चुनाव को लेकर आरएलपी लगातार पूरी राजस्थान में अपना प्रकोप दिखाती हुई नजर आ रही थी, तो वहीं कल देर रात्रि आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल के साथ आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने गठबंधन कर लिया है और राजस्थान में अब 200 विधानसभा चुनाव 200 सीटों पर आरएलपी और आजाद समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जिस तरह से कुछ जगह आजाद समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशी उतारेगी तो वहां आरएलपी अपने प्रत्याशी नहीं उतारेगी, तो ऐसे में अब राजस्थान में दोनों पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा है कि बीजेपी और कांग्रेस के लिए ये बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि आरएलपी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल एक युवा नेता है, तो कहीं ना कहीं एएसपी आजाद समाजवादी पार्टी के भी राष्ट्रीय संयोजक जो युवाओं के साथ हमेशा युवाओं के मुद्दों पर खड़े रहते हैं, तो इस वजह से दोनों ही पार्टियों के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो युवा हैं और इसी वजह से युवा लगातार दोनों पार्टियों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अपने 50 प्रत्याशी लगभग 50 प्रत्याशियों की घोषणा करने जा रही है, पहली लिस्ट जारी करने जा रही है कि दूसरी तरफ आजाद समाजवादी पार्टी कई प्रत्याशी मैदान में उतार चुकी है, तो अब दोनों पार्टी के बीच गठबंधन हो चुका है। हालांकि देखिए सबसे बड़ी चीज है कि राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के कार्यालय पर टिकट मांगने वालों की लंबी लाइनें लग रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का कहना है कि हम राजस्थान में युवाओं के मुद्दों को लेकर, किसानों के मुद्दों को लेकर, तमाम जो महिलाओं के साथ अत्याचार हो उन तमाम मुद्दों को लेकर आजाद समाजवादी पार्टी और आरएलपी दोनों पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो रही हैं। हमारी जिस तरह से बताया जा रहा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन होने से बीजेपी और कांग्रेस में खलबली मच रही है, तो कहीं ना कहीं दोनों पार्टी राजस्थान में इस बार विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ रही है और मजबूती के साथ अपने युवा मैदान में उतार रही है। आप देखना ही होगा कि पहली लिस्ट आरएलपी की कल आने की संभावना है, तो कल जिस तरह से आरएलपी पहली लिस्ट जारी करेगी उसमें कितने युवाओं को मौका दे रही है, कितने युवा ये शामिल कर रहे हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन दोनों पार्टियों का जिस तरह से गठबंधन हुआ है उसके बाद में राजस्थान में चुनावी सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, गलियों में चर्चा होने लग गई है कि आरएलपी पार्टी और आजाद समाजवादी पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है वो कहीं ना कहीं मजबूती के साथ में गठबंधन हुआ है, तो इससे एक बड़ी सफलता आरएलपी और आजाद समाजवादी पार्टी को मिल सकती है। मलखान, ये लोग ऐसे भी बोल रहे हैं कि प्रदेश में जो 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस है उसकी परंपरा को बदलेंगे, तो क्या लगता है आपको चुनाव में इनका दावा कितना सच साबित होगा, क्योंकि राजस्थान में तो कांग्रेस और बीजेपी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल फातिमा जी, लगातार जिस तरह से युवाओं के मुद्दे हो चाहे किसानों के मुद्दे हो उन तमाम मुद्दों पर राष्ट्रीय लोकतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल और दूसरी तरफ आजाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक चंद्रशेखर लगातार ऐसे मुद्दे उठाते रहे और उनका कहना है कि राजस्थान में जो परंपरा चल रही है उसे खत्म किया जाएगा,
कि 5 साल कांग्रेस और 5 साल बीजेपी, तो इस तरह के राज जो चल रहा है इसमें आम जन, महिला और युवा तमाम जो मुद्दे हैं वो पनप रहे हैं। तो इस परंपरा को खत्म करने की तैयारी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी लगातार पिछले 4 से 5 साल पे लगातार काम कर रही है। तो वहीं उनके साथ अब जिस तरह से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का गठबंधन आजाद समाजवादी पार्टी से हुआ है, तो कहीं न कहीं जो राजस्थान की परंपरा है वो बदल सकती है। हालांकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, चलिए बहुत शुक्रिया मलखान तमाम जानकारी के लिए। तो राजस्थान में आरएलपी और आजाद समाजवादी पार्टी का एक बार गठबंधन देखने को मिला है और अब देखना होगा कि आने वाले चुनाव में ये गठबंधन कितना सही साबित होता है।